हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास सर का बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मैकल चैनल में। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं आपको VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2021 के लिए, जिससे बोर्ड एग्जाम हमेशा आपसे पूछते जाता है। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला भी सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो यह जो आज की हमारी वीडियो है, जो आपको इसका लाइव टेस्ट भी हुआ है, जिसमें आपको एक स्टूडेंट्स जो है आप टॉपर्स बनी हैं, तो उसका भी सोल्यूशन आज इसके वीडियो में हम आपको सोल्यूशन के साथ आपको वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, पॉज मत कीजिएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन पहला है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। क्वेश्चन में फर्स्ट देखेंगे कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। फर्स्ट में है ए, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता होती है 4, यानी कि 1 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, 1 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन में सेकंड पढ़ेंगे, क्वेश्चन में सेकंड दिया है कि कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है। तो ऑप्शन ए में दिया है 1.34 एंगस्ट्रम, बी में दिया है 1.20 एंगस्ट्रम, सी में दिया है 1.54 एंगस्ट्रम और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड जो लेंथ है उसकी लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रम, यानी कि 2 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 1.54 एंगस्ट्रम। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि RX, ठीक है, RX प्लस NaI यानी कि अल्काइल हैलाइड जब सोडियम आयोडाइड से रिएक्शंस करता है, तो अल्काइल आयोडाइड और सोडियम प्लस इस अभिक्रिया में किस विलायक का व्यवहार किया जाता है, इस रिएक्शन से किस सॉल्वेंट का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन ए में है एसीटोन, बी में है शुष्क एसीटोन, सी में है जल, डी में इथाइल एसीटेट। तो 3 का ऑप्शन हमारे होगा बी, आपको शुष्क एसीटोन का यूज किया जाता है, किसका यूज होता है, ड्राई एसीटोन का यूज किया जाता है। 3 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण में उत्पन्न होने वाली जहरीली गैस का क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण में उत्पन्न होने वाली जहरीली गैस का क्या नाम है। ऑप्शन ए में है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, बी में है कार्बोनिल क्लोराइड, सी में है फास्फिन और डी में है बी एंड सी। तो 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी एंड सी, यानी कि आपको कार्बोनिल क्लोराइड भी बनता है और फास्फिन भी बनता है। तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, कार्बोनिल क्लोराइड और आपको हो जाएगा फास्फिन। चलिए क्वेश्चन 5 में चलते हैं, क्वेश्चन 5 में देखेंगे, क्वेश्चन 5 दिया कि हैलो एल्केन्स किस प्रकार की रिएक्शंस को देता है, यानी कि हैलो एल्केन्स में किस प्रकार के क्रियाएं होती है। ऑप्शन ए में है नाभिक रागी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बी में है निराकरण अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शंस और सी में धातु के साथ अभिक्रिया, डी में है सभी। तो 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यह सभी प्रकार के रिएक्शंस को दिखाता है, कौन, आपको हैलो एल्केन्स, यानी कि 5 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न में कौन LiAlH4 द्वारा अवक्रित होकर C2H5OH देता है, निम्न में कौन LiAlH4 द्वारा अवक्रित होकर इथाइल एल्कोहल देता है। ऑप्शन ए में दिया है CH3CO2, बी में दिया है CH3COCl, सी में दिया है CH3CONH2 और डी में दिया है CH3COCOO और C2H5 दिया है, देख लेंगे C2H5 दिया है, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, CH3COCOO C2H5, यानी 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, CH3COCOO C2H5। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि अल्काइल हैलाइड को किससे बनाने में प्रयोग किया जाता है, अल्काइल हैलाइड को किससे बनाने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है एल्केन, बी में है एल्किन, सी में है एल्कोहल, डी में है सभी। तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा डी, एल्केन से भी बनाया जाता है, एल्किन से बनाया जाता है और एल्कोहल से बनाया जाता है, यानी 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी प्रकार से आपको अल्काइल हैलाइड बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? ऑप्शन ए में है CnH2n, बी में है C2H4, सी में है CnH2n+2, डी में दिया है CnH2n-2। तो एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? 8 का ऑप्शन में हो जाएगा एट का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए CnH2n। एट का ऑप्शन में हो जाएगा ए CnH2n। क्लियर है? चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नाइन में क्वेश्चन कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। अल्काइल हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। किस प्रकार की अभिक्रिया अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ होती है? ऑप्शन ए में दिया है उड्ज रिएक्शंस, बी में दिया है कोलवे रिएक्शन, सी में दिया है क्लीमेंसन और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा ए उड्ज रिएक्शन। क्या हो जाएगा? उड्ज रिएक्शंस। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए उड्ज रिएक्शंस। ठीक है, यानी कि अल्काइल हैलाइड जैसे RX होता है और RX के साथ अगर आपको सोडियम आ जाता है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? ठीक है, इस तरह के रिएक्शंस आपको देखने को मिलते हैं कहाँ? उड्ज फिटिंग रिएक्शंस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक शीतकारक के रूप में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए में दिया है CH3, बी में दिया है CCl4, सी में दिया है CF4, डी में दिया है CF2Cl2। तो 10 का ऑप्शन में हो जाएगा डी CF2Cl2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11 में देखेंगे। 11 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापक SN1 रिएक्शंस विधि से होता है? निम्न में किसका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा होता है? ऑप्शन ए में है C2H5Cl, बी में है आइसोप्रोपाइल कोलाइड, सी में है क्लोरोबेंजीन, डी में है बेंजीन कोलाइड, ई में है इनमें से कोई नहीं। तो 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बेंजीन कोलाइड। 11 का ऑप्शन में क्या जाएगा? डी बेंजीन कोलाइड। ठीक है, चूँकि जितना भी क्वेश्चन है आपको बोर्ड एग्जाम बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए VBI क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, पॉज मत कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि कभी भी आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन, किसी भी अपडेटेड का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपके डेली लाइव क्लासेस 9 बजे मॉर्निंग क्लास चलाई जाती है, आप लाइव क्लास 9 बजे मॉर्निंग में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि जब डाई इथाइल ईथर को कोलीन से प्रतिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? ऑप्शन ए में है C2H5Cl, बी में है C2H5C में है CH3COCl और डी में है C2Cl5 2O। तो 12 का ऑप्शन में हो जाएगा डी C2Cl5 2O, यानी कि 12 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इनमें कौन सा रसायन बेहोशी के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है CCl4, बी में है नेफथलीन, सी में है CHCl3 और डी में दिया है बेंजीन। ठीक है, तो आपको कौन सा रसायन बेहोशी के लिए उपयोग किया जाता है? 13 का ऑप्शन में हो जाएगा सी CHCl3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है बेहोशी के लिए उपयोग किया जाता है। 13 का ऑप्शन में क्या जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। ईथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ऑप्शन ए में है sp3, बी में है sp2 और ऑप्शन सी में है sp और डी में है sp3d2। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ईथेन का होता है आपको C2H6। क्लियर है? C2H6 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप बॉन्ड की काउंटिंग करेंगे तो कार्बन की, तो कार्बन यहाँ पर देखेंगे 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ जब रहेगा तो उसको क्या मानेंगे हम sp3।
चार बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको क्या मानते हैं, sp3, क्योंकि सिंगल बॉन्ड, चार सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या होगा, एक s और p3 हो जाएगा sp3। 14 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए sp3। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे कि C5H5Cl5 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, C5H5Cl5 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। ऑप्शन ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4, डी में दिया है 5। तो आप जानते हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका आपको मोलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन आप उसको स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 50 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दो होंगे। 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, दो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएंगे। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। ईथेन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, ईथेन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। ईथेन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे, ओके तो यहाँ पर 60 में जो क्वेश्चन दिया है कि ईथेन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया है, इथीन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, इथाइन होगा। क्या होगा, ये इथीन नहीं होगा, इथेन नहीं होगा, आप क्या इसको मानेंगे, इथाइन मानेंगे, क्या मानेंगे, इथाइन मानेंगे। ठीक है इथाइन में पूछा है, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। ठीक है इथेन नहीं होगा, आप क्या होगा, इथाइन होगा। तो इथाइन में आपको पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, एग्जाम्पल के तौर पर अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे तो सब क्या है, सिग्मा है। ठीक है सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई देंगे तो उसमें क्या है, सिग्मा है। ठीक है अगर आपको डबल बॉन्ड दिखाई देंगे, ठीक है जैसे मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसमें अगर डबल बॉन्ड कहीं है, ठीक है तो सिंगल वाला तो टोटल सिग्मा ही है, तो सिंगल वाला टोटल क्या है, सिग्मा है। ठीक है लेकिन जहाँ पर डबल बॉन्ड दिखा रहा है तो एक आपको सिग्मा है तो एक क्या है, पाई है। एक सिग्मा है तो एक क्या है, पाई है, डबल बॉन्ड में। ठीक है और वहीं आपको अगर ट्रिपल बॉन्ड में पूछ दे रहा है, जैसे इथाइन का पूछा, तो इथाइन का होता है C2H2। ठीक है इथाइन हुआ तो ये तो सिग्मा हो गया, इसका कोई चांस ही नहीं। हमको पास कहता है क्या करना है, पाई बॉन्ड गिनना है, तो इसमें दो पाई होते हैं और एक क्या हो जाता है, सिग्मा। ठीक है ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई होता है और एक क्या होता है, सिग्मा। इसलिए 16 का इथेन नहीं होगा, इथाइन होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इथाइन। ये क्या हो गया आपको, इथेन नहीं है, इथाइन है। क्या होगा, इथाइन, ध्यान से देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 70 में दिया है, निम्न में कौन सा आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है, निम्न में से कौन सा आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है, निम्न में से कौन सा आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है, निम्न में से कौन सा आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। ठीक है निम्न में से कौन सा आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है, आपको मैं बता दूँ कि फर्स्ट में दिया है इथेनॉल, बी में दिया है इथेनॉल, सी में दिया है पेंटेन 2 ऑल, डी में दिया है पेंटेन 3 ऑल। तो 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी पेंटेन 3 ऑल, 17 का ऑप्शन नंबर डी पेंटेन 3 ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ठीक है क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि इनमें कौन विक डाई हाइलाइट का उदाहरण है, इनमें कौन विक डाई हाइलाइट का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है डाई क्लोरोमीथेन, बी में दिया है 1,2 डाई क्लोरोमीथेन, और सी में दिया है इथिलीन इथिलीडीन क्लोराइड, डी में दिया है एलिल कोलाइड। तो विक डाई हाइलाइट में आप क्या जानते हैं, विक डाई हाइलाइट में जानते हैं एक ही कार्बन के आसपास क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए रहते हैं। तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी 1,2 डाई क्लोरोमीथेन।
1,2 डाइक्लोरोमीथेन, यानी कि हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको, ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, और 18 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, 18 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी, 1,2 डाइक्लोरोमीथेन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बेंजीन के साथ CH2CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl और डैश में दिया है आपको X, तो पता करना है कि X जो है आपको प्रोडक्ट है तो उसके जगह पर क्या रहेगा, X जो आपको प्रोडक्ट है उसके जगह पर क्या रहेगा, तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, आपको ये बनेगा बेंजीन के साथ CH2CHCl3 ये आपको प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं, 20 में कह रहा है कि CH3CH और साथ में है आपको CH2Br का सही IPC नेम क्या है, सही IPC नेम क्या है, फर्स्ट में दिया है 1-bromo-2-ethylpropane, बी में दिया है 1-bromo-2-ethyl-2-methylethane, सी में दिया है 1-bromo-2-methylbutane, डी में दिया है 2-methyl-1-bromo-butane, ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1-bromo-2-methylbutane, 1-bromo-2-methylbutane, कैसे होगा, 1 पर आपको इधर से काउंटिंग होगा और 2 पर आपको मिथाइल ज्वाइंट हुआ है, 1 पर आपको ब्रोमो पड़ेगा और 2 पर जो आपको मिथाइल पड़ेगा, और लॉन्ग चेन में आपको 4 कार्बन है, लॉन्ग चेन में आपको 4 कार्बन है। चलिए 21 देखेंगे, 21 क्वेश्चन, 21 में दिया है कि प्रकाश की अनुपस्थिति और फेरस की उपस्थिति में टॉल्विन कोलिन से अभिक्रिया कर क्या देती है, प्रकाश की अनुपस्थिति और फेरस की उपस्थिति में टॉल्विन कोलिन से अभिक्रिया कर क्या देती है, ऑप्शन ए में दिया है बेंजीन के ऊपर CH2Cl, बी में दिया है CH3Cl बेंजीन, और ठीक है उसी में आपको सी में दिया है और डी में दिया है बी एंड सी, तो 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आपको बी भी मिलता है और सी भी मिलता है, बी भी मिलता है और सी मिलता है, दो तरह से आपको कंपाउंड मिलते हैं, दो तरह से आपको कंपाउंड मिलते हैं, एक अर्थो जैसा मिलता है, एक पैरा जैसा मिलता है, एक अर्थो जैसा मिलता है और एक पैरा जैसा मिलता है, यानी कि 21 का ऑप्शन हो जाएगा डी, आपको बी भी प्राप्त होगा और सी भी प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 है कि ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में MG डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, ऑप्शन ए में है C2H5OH, बी में है C2H6, सी में दिया है C2H5Cl और डी में दिया है C2H5Cl, तो 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, C2H5Cl, C2H5Cl, 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक को क्या कहते हैं, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए में है एल्किन, बी में है एल्काइन, सी में है एल्केन और डी में है इनमें से कोई नहीं, तो 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी एल्केन, किस चीज़ का फार्मूला है, एल्केन का फार्मूला है, दोगुना से दो ज़्यादा और वहीं आपको CnH2n रहेगा तो ये क्या है एल्किन है, वहीं आपको CnH2n-2 रहे तो क्या रहेगा एल्काइन हो जाएगा, यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर क्या रहेगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं, हीरे में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हीरे में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑप्शन ए में है sp3, बी में है sp2, सी में है sp और डी में है sp3d, तो हीरे में कार्बन का प्रसंस्करण क्या है, चूँकि हीरा जो है आपको जैसे आपको मीथेन ज्वाइंट होता है उसी तरह आपको एक कार्बन जो है अन्य चार कार्बन से ज्वाइंट होते रहता है, यानी उसमें आपको भी उसका भी स्ट्रक्चर एक कार्बन का स्ट्रक्चर भी आपको इस तरह का देखने को लगभग मिलता है और फिर एक कार्बन से चार और जुड़े होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर चार बॉन्ड उसमें आपको मिलेंगे देखने के लिए, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड में चार दिखेगा उसको हम क्या कहते हैं sp3 कहते हैं, क्या कहते हैं सॉरी
सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी पेज आपको अपोजिट डायरेक्शन में हो गई है, कुछ प्रॉब्लम के चलते इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में हो गई है, तो आप माफ़ कर देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको। हाँ, 24 का हमने क्या बताया कि 24 में आपको हो जाएगा ASP3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलिए 25 में चलते हैं कि श्रृंखलन का गुण सबसे ज़्यादा किस में होता है। श्रृंखलन का गुण सबसे ज़्यादा किस में होता है? ऑप्शन ए में है फास्फोरस, बी में है कार्बन, सी में है सल्फर और डी में है आपको जिंक। डी में क्या है? जिंक। तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी, सबसे अधिक कैटिनेशन पावर आपको कार्बन में पाया जाता है। सबसे अधिक कैटिनेशन पावर श्रृंखलन गुण कहाँ पाया जाता है? आपको कार्बन में पाया जाता है। 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलेंगे 26 में देखेंगे इनमें कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। 26 में दिया है इनमें कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। ऑप्शन ए में है BF3, बी में दिया है NH3, सी में दिया है H2O, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, BF3 जो है सबसे अधिक आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, बेरियम फ्लोराइड। 26 का ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए 27 नंबर देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 27 नंबर में दिया है आपको एनिलीन दिया है। एनिलीन के साथ आपको कैटलिस्ट लगाए गए हैं सोडियम नाइट्रेट हाइड्रोजन क्लोराइड, तो आपको बना है डाई एंजुनियम लवण बना है, और फिर डाई एंजुनियम पर आपको कॉपर क्लोराइड कैटलिस्ट के रूप में आया है, तो आपको X+N2 बनना है, ठीक है। X+N2 बना है, तो आपको बतानी है कि X जगह पर कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या होता है? क्लोरोबेंजीन। ये 27 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, और साथ में आपको नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, ओके। तो 27 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिक को बढ़ते हुए उनके घनत्व के क्रम में सजाए। निम्नलिखित यौगिक में उनके बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में सजाए। ऑप्शन ए में दिया है, चूँकि पहला में दिया है आपको बेंजीन है, दूसरा में क्लोरोबेंजीन है, तीसरा में आपको डाई क्लोरोबेंजीन है, और चौथा में आपको ब्रोमो है और आपको क्लोरो है, और इसमें आपको बेंजीन लगी हुई है, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए, चूँकि ब्रांच की संख्या बढ़ती है तो इसका डेंसिटी भी क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। वन क्लोरोब्यूटेन की अभिक्रिया एल्कोहलिक के OH से कराने पर क्या प्राप्त होगी? वन क्लोरोब्यूटेन की अभिक्रिया एल्कोहलिक के OH से कराने पर क्या प्राप्त होगी? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको IIT में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो फर्स्ट में दिया है 1-butene, बी में दिया है 1-butenol, सी में दिया है 2-butene और डी में दिया है 2-butenol। तो 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1-butene प्राप्त होगी। 29 का ऑप्शन हो गया रहेगा ए, 1-butene प्राप्त होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे कह रहा है कि प्रदर्शित यौगिक का IPC नेम क्या है। यह क्वेश्चन जो है आपको AIEEE में पूछ चुका है। तो पहला क्वेश्चन में दिया है, पहला के आंसर दिया है 2-bromo-6-chlorosaycloheexane-1-ene, बी में दिया है 6-bromo-2-chlorosaycloheexane, सी में दिया है 3-bromo-1-chlorosaycloheexane और डी में दिया है 1-bromo-3-chlorosaycloheexane। तो इसका क्या नोमेनक्लेचर हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी, 3-bromo-1-chlorosaycloheexane। कैसे? क्योंकि आपको 1 पर कोलिन है, ठीक है, और 3 नंबर पर क्या है? ब्रोमीन है। 1 पर कोलिन जुड़ा हुआ है और 3 पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और नोमेनक्लेचर करते समय आपको पहले बी आएगा, बाद में क्या आएगा? सी आएगा। और जितने नंबर पर आपको ज्वाइंट होता है उसका नंबरिंग लगा कर बोला जाता है, तो बी पर है इसलिए 3 नंबर पर है, तो इसको बोलेंगे 3
और चूंकि क्लोरो है फ्लोरो है तो ब्रोमो बोलेंगे, तो तीन ब्रोमो और वन पर क्लोरीन, तो वन क्लोरो। और चूंकि आपको वहाँ पर साइक्लो लगा है, चूंकि आपको एक बॉन्ड नीचे से लगा हुआ है, बेंजीन नहीं है आपको साइक्लो है, इसलिए जो साइक्लो हेक्सीन यानी 30 का ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 31 में देखते हैं, बहुत बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 में कह रहा है कि इनमें कौन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इनमें कौन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो 31 का ऑप्शन हो जाएगा डी। इनमें आपको 21 का ऑप्शन नंबर डी है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अल्काइल हैलाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, तो आपको आपको एल्कोहल बनता है और पोटेशियम हैलाइड बनता है। 32 नंबर में देखेंगे, 32 नंबर में दे रहा है कि DDT का निर्माण करने के लिए क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, तो DDT डाइक्लोरोडाइफेन ट्राइक्लोरोइथेन का निर्माण करने के लिए क्लोरोबेंजीन के साथ क्लोरल की अभिक्रिया कराती है, तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा ए, क्लोरल की अभिक्रिया कराई जाती है। चलिए 33 में देखेंगे, 33 में देखेंगे कह रहा है कि आपको क्लोरोबेंजीन है और इसके साथ अल्काइल हैलाइड है और साथ में आपको सोडियम है, ड्राई ईथर का प्रेजेंट रिएक्शन करता है, तो आपको अल्काइल एरिन बनता है और सोडियम हैलाइड बनता है, किस प्रकार की रिएक्शन है। फर्स्ट में दिया है उलमैन रिएक्शन, बी मिले कैनेजारो रिएक्शन, सी मिले उर्ज फिटिंग रिएक्शन, डी मिले नाइट्रिकन, तो 33 का ऑप्शन बनेगा सी, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन। अभी तक वीडियो को जो लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं कि बेंजीन दिया है, बेंजीन के साथ आपको अल्काइल हैलाइड दिया है और निर्जल AlCl3 के ऊपर जेंट में रिएक्शन करता है, तो आपको अल्काइल एरिन बनता है और हाइड्रोजन हैलाइड बनता है, या किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में दिया है गिगनार्ड रिएक्शन, बी में दिया है राइमर टीमेन रिएक्शन, सी में दिया है फेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन और डी में दिया है फिटिंग रिएक्शन, तो 34 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यह आपको रिएक्शन जो है फेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन है, क्या है फेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 सैंडमायर रिएक्शंस में भाग लेने वाला लवण क्या है, सैंडमायर रिएक्शंस में भाग लेने वाला लवण कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है BHC, बी में दिया है फॉस्फीन, सी में दिया है क्लोरल, डी में दिया है एस्प्रिन, तो सैंडमायर अभिक्रिया में भाग लेने वाला आपको कौन सा लवण है, कौन सा साल्ट है, BHC है, क्या है BHC है। ये रहा आपको 35 क्वेश्चन VVI ऑब्जेक्टिव जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं, डेली लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली टेस्ट में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, तो आप सुबह डेली सुबह 9 बजे मॉर्निंग लाइव क्लास क्लास 12 केमिस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतर कंसेप्ट के साथ आपको क्लास दी जाती है, चूँकि आपको न्यू चैप्टर जो है आपको स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपको चल रहा है एल्कोहल फिनॉल और ईथर चैप्टर का कंसेप्ट चल रहा है। और अगर आप हेलो एलिकेंस और हेलो एरिन्स का आप टोटल वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के लिंक में जाएंगे, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में लिखेंगे हेलो एलिकेंस हेलो एरिन्स का लिखा है, वहाँ से आप पूरा वीडियो को वाच कर सकते हैं। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो, वीडियो को जहाँ जितना से जितना हो सके उसे शेयर करें, पूरे सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।